दादा अल्फोंस की मम्मी को अपना एक बेटा खोने के बावजूद वो यहाँ अल्फोंस के परफॉर्मेंस को सपोर्ट करने के लिए आई है और मुझे लगता है कि इससे बड़ा सपोर्ट जिंदगी में किसी को नहीं मिल सकता. दिस इज द बिगेस्ट सपोर्ट यू हैव. वी ऑल शुड बी प्राउड दैट यू हैव सच अ ब्यूटिफुल एंड स्ट्रॉन्ग मॉम. थैंक यू सो मच. और मैं उनकी मम्मी को अगर आपकी इजाजत हो तो स्टेज पे बुलाना चाहूंगा. आप सब अल्फोंस के लिए इतना सपोर्ट करते हो. आप सबका इतना प्यार मिला अल्फोंस को. आप सब इतने अच्छे से अपना उसको समझते हो. इसके लिए आप सबको शुक्रिया. मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा कितना नसीब वाला है कि इतने अच्छे लोगों का प्यार, अपनापन, इतना बड़ा आशीर्वाद किसको मिलेगा. हम लोग इसकी काबिल है ही नहीं. हम लोग एक गलत कोने गलत में पड़े. नहीं, हकीकत है दादा, ये हकीकत है. हमको कोई पहचानते नहीं है. अरे इतना पहचान आप लोग ने दिया, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है. इसका मैं कैसे आप लोग को शुक्रिया गुजारूं, मुझे बोलने की लफ्ज ही नहीं है. बहुत बहुत सब कुछ हक से एकदम हक से कमाया आपके बेटे ने. ये आपके बेटे ने कमाया है और इसीलिए मुझे तुम पे गर्व है. थैंक यू. मम्मी कहीं ना कहीं अल्फोंस अपने बड़े भाई का सपना पूरा कर रहा है. आज इस मकाम पर वो आया है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा मुझे. और बड़ा वाला पढ़ना बहुत चाहता था दादा, और वो पढ़ाई भी अच्छा करता था. फर्स्ट मार्क नंबर वन में लाता था वो. मेरे पास ताकत नहीं थी कि उसको लास्ट तक मैं पढ़ाऊँ, और ये बराबर नहीं पढ़ता था. तो इसको मैं बोलती थी कि तू पढ़ाई नहीं करता तो तू काम पे जा. तो वो बोलता था नहीं मम्मी, मैं मेरे भाई को पढ़ाऊँगा, उसको आगे बढ़ाऊँगा. आज मेरे लिए मेरी मम्मी के लिए एक बात बोलना है. मेरी लाइफ में दो मॉम है, एक आके मेरी मम्मी है जिन्होंने मुझे हाथ पैर चलना सिखाया. एक जो मेरी मम्मी है जिन्होंने मुझे हाथ पकड़े चलना सिखाया, और दूसरी जो मम्मी है मेरा भाई जिसने मुझे उड़ना सिखाया. आज मेरा भाई नहीं है, बट मेरा भाई मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया है. उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं बता नहीं सकता हूँ क्या क्या किया, बहुत कुछ किया उसने. और जब मैंने मेरा करियर मैंने स्टार्ट किया, मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, बट उस टाइम मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि देख बड़ा भाई नहीं है, बड़ा भाई का सपना था. अगर तू बड़ा भाई को खुश देखना चाहता है तो उसका सपना पूरा करके दिखा. तो और मैं मम्मी को सॉरी बोलना चाहता हूँ. दो तीन दिन से मम्मी से छुपाया था मैंने. रिसेंटली शिवम मेरे ऊपर गिर गया था, मेरा जबान कट गया था. तो मम्मी मुझे रोज पूछती थी क्या हुआ बेटा, तू बहुत थक गया है क्या, इतना डल क्यों बात कर रहा है. तो मम्मी से झूठ बोलता, नहीं मम्मी मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बात नहीं कर पाता था, दो दिन खाना नहीं खाया. तो मम्मी पूछती थी क्या हुआ थक गया तू, मैं बोला हाँ बहुत थक गया, बहुत सारा प्रैक्टिस हो रहा. तो मम्मी के लिए मैं उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपसे झूठ छुपाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था. ऑलरेडी मम्मी इतनी तकलीफ में थी कि अगर मम्मी को पता चलता है तो मुझे लग गया है. तो मम्मी
अगर मम्मी को मैं वो चीज़ बताता कि मुझे लग गया तो मम्मी फिर एकदम और सैड हो जाए, फिर भाई को याद करती, फिर वो सब सिचुएशन होता, तो मैंने उसके लिए मम्मी से छुपाया, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। इसको तो मैंने चिकचिक बूम फायर दिया नहीं, पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक आग की तरह हैं जो कभी किसी से डरती नहीं है, कभी किसी से घबराती नहीं है, और बस रोशनी होती जाती है, बस पूरी दुनिया को अपनी बोलती ना अपने पावर से दिखाती है। तो मैं आपके लिए बोलूंगा यू आर थैंक यू सर, थैंक यू।